हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सो गाइस, आज की इस लाइव पर मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली अपडेट जो है देने वाली हूँ। वो अपडेट रिलेटेड है हेलीशा के। सो गाइस, जी हाँ, हेलीशा को क्या न्यू प्रोजेक्ट मिली है। यस गाइस, हेलीशा को एक न्यू प्रोजेक्ट मिल चुका है, बट उसकी जो अब VTS मतलब जो ऑफ स्क्रीन फ़ोटोज़ होती है वो सब तो वायरल नहीं हुए, बट उनका एक न्यू प्रोजेक्ट मिल चुकी है। एग्जैक्टली गाइस, मिल चुका है। सो या इस लाइव की फुल आप लोग एंड तक बने रहें। सो गाइस, आप लोग ज्वाइन कर ले, बस थोड़ा सा रुक जाओ। और गाइस, आपको बता दूँ एक चीज़, ये लाइव जो है मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही कर रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ज़्यादा बकवास नहीं है। सो गाइस, चलो स्टार्ट कर ले। कौन कब ज्वाइन होगा पता नहीं, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हेलीशा का न्यू प्रोजेक्ट। सो गाइस, हेलीशा अभी 3 दिन पहले उनका म्यूज़िक एल्बम का शूट ओवर हो चुका है। सो म्यूज़िक एल्बम के शूट के लिए 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में शूटिंग जो है ओवर हो जाती है, कम्प्लीट हो जाती है। सो हेलीशा के म्यूज़िक एल्बम की शूट जो है 1 हफ्ते में कंप्लीट हो गई, ओवर हो गई। सो गाइस, एक शो की मतलब अभी हेलीशा तो कोई शो तो नहीं लेगी, मतलब कोई जो बड़ा वाला प्रोजेक्ट है ना लंबे टाइम का, जैसे इश्क में मैं जाऊँ आप लोगों ने देखा होगा, वो तो उनका लंबा वाला 1 साल वाला प्रोजेक्ट था। पूरा 1 साल उन्होंने इश्क में जाओं पे पूरा का पूरा काम किया, और जब राहुल से दिन नहीं थे तब तो वो पूरे के पूरे मतलब सारे सारे दिन वो शूट करती रहती थी। तो गाइस, आप लोगों को क्या करना है ना, हेलीशा का न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंतज़ार करना है। तो हेलीशा भी फ्री हुई है म्यूज़िक एल्बम से, उसके बाद वो जो अभी तो वो कोई लंबा प्रोजेक्ट तो नहीं ली, मतलब म्यूज़िक एल्बम तो वो अभी कर चुकी है, और राहुल के म्यूज़िक एल्बम सॉन्ग के रिलेटेड मैं दूंगी अपडेट। तो गाइस, हेलीशा ना अभी जो मैंने आप लोगों को जैसे कि कहा था, अभी हेलीशा जो है अभी 1 वीक तो ब्रेक लेगी, उसके बाद जो है वो एडवर्टाइज शूट करेगी। उसके बाद अभी न्यूज़ आ रही है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट्स। सो गाइस, अपडेट्स की अगर मानी जाए तो हमारी हेलीशा 2 महीने बाद, आज से मतलब 2 महीने या फिर 1 महीने बाद वो जो है लॉन्ग प्रोजेक्ट्स जैसे कोई शो को वो जो है ऑफर आएगा वो, और वो जो है एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रहा था। अब ये न्यूज़ कन्फर्म है या नहीं ये तो मुझको पता नहीं, बट ये न्यूज़ अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट्स में आया है ये न्यूज़। हम लोग जो अपडेट्स को ऐसे ढूंढते हैं तो हम लोग को ये सब अपडेट्स मिलते हैं। तो गाइस, हेलीशा अभी वो 2-4 दिन तो अभी ब्रेक लेगी, उसके बाद वो एडवर्टाइज शूट करेगी, उसके बाद वो जो है अभी फ्री होके बैठ जाएगी, उसके बाद वो अभी यूट्यूब, मुझे इतना लगता है मेरे मुताबिक अभी हेलीशा म्यूज़िक एल्बम तो उन्होंने कर लिया है, म्यूज़िक एल्बम का प्रोमो भी जल्दी आने वाला है। उसके बाद वो जो अभी दो चार दिन बाद वो जो है एडवर्टाइज करेगी, उसके बाद जो है वो मुझे जितना लगता है वो अपने YouTube वीडियोस पर ध्यान दे, क्योंकि उन्होंने मतलब ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले YouTube, मतलब डाले बट वो अभी कुछ दिन से वो कोई लॉन्ग वाला वीडियो जैसे कुछ व्लॉग ये सब नहीं डाली है। सो मुझे जितना लगता है वो डालेगी। सो गाइस, देखते हैं उनका न्यू प्रोजेक्ट क्या होता है। और उन्होंने जो है उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं इश्क में जाऊँ के बाद, डांस का वीडियो, उसके बाद म्यूज़िक एल्बम तो उन्होंने शायद मुझे इतना लगता है फर्स्ट बार किया है, बहुत ही अच्छा रहेगा। सो मैं तो इंतज़ार करूँगी कि म्यूज़िक एल्बम कब आए भाई, प्रोमो तो अभी तक नहीं आया है, और नेम क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने आप लोगों को कहा था ऐसे। सो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स में तो हमारी हेलीशा जीत गई, आइकॉनिक बेस्ट एक्ट्रेस का 2021 का अवार्ड उनको मिल गया। सो गाइस, हम लोग को गोल्ड अवार्ड भी उनको दिलवाना है, आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड भी हमारी हेलीशा को हम लोग को दिलवाना है, जैसे कि ये इंटरनेशनल वाला अवार्ड उनको मिला वैसे ही गोल्ड अवार्ड भी उनको मिलना ही चाहिए। सो ये वो डिज़र्व भी करती हैं। सो गाइस, जो आप लोगों को पता होगा कि हेलीशा अभी तो वो कर चुकी है म्यूज़िक एल्बम, अभी वो एडवर्टाइज़ करेगी, उसके बाद वो अपनी यूट्यूब वीडियोस पे थोड़ा सा ध्यान देगी। मतलब ये न्यूज़ नहीं आई है, ये मैं खुद के मुताबिक कह रही हूँ। और हेलीशा अभी क्या कर रही है क्या नहीं ये तो मुझको पता नहीं, बट अभी वो फ्री होके बैठी है, अभी जो है वो अभी क्या कर सकती है, अभी वो एडवर्टाइज करेंगे, उसके बाद वो 1-2 महीने बाद वो कोई शो के ऑफ़र को लेंगी। उनको बहुत सारे शोज के ऑफ़र आए थे, बट सपोर्टिंग रोल था और कुछ लीड रोल थे, बट सारे के सारे रोल जो है एकदम कैसे अजीब से थे तो उनको पसंद नहीं है, उन्होंने डिनाई कर दिया, मतलब नो कर दिया, एकदम मना कर दिया डायरेक्टली। और गाइस, और एक न्यूज़ गुड न्यूज़ आई है सारे के सारे रियाज फैंस के लिए, एक गुड न्यूज़ राहुल सुधीर ने खुद ही कही है रियाज फैंस के लिए, गुड न्यूज़ आई है, बहुत ही प्यारा सा उन्होंने जो रिप्लाई दिया है। सो वो रिप्लाई उन्होंने क्या दिया है, क्या चीज़, क्या गुड न्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ। आप लोग इस लाइफ में आप लोग जो है नहीं समझोगे तो मैं आप लोगों को मेरे वीडियो पर जो है मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी फुल डिटेल में कि मैं कौन से क्या चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ भाई, कौन से चीज़ के बारे में, क्या चीज़ के बारे में मैं बोल रही हूँ। आप लोग नहीं समझोगे तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को
आपको डिटेल में बहुत ही हंसी मजाक से, ये जो है ये गुड न्यूज़ है, बहुत ही हंसी आ रही है मुझको ऐसे बोलने में भी, जब मैं बोलूँगी तब तो और हंसी आएगी। तो गाइस मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप लोगों को बता दिया कि हलीशा का कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, और हलीशा जो अभी छोटा मोटा सा प्रोजेक्ट ही लेगी, कोई बड़ा वाला इसकी शो वगैरह नहीं लेगी, क्योंकि वो अभी जानती है कि वो अगर छोटा मोटा सा प्रोजेक्ट लेगी तो उसके लिए भी अच्छा होगा, और मतलब और उसको भी अच्छा लगेगा, उसके लिए भी अच्छा होगा। और गाइस अभी जो आप लोग देख सकते हो कि अभी कैसा मतलब कैसा चल रहा है शुभम जॉन सीजन 3 नहीं, उसके बाद आप लोग को और एक चीज़ बता दो, हमारी हलीशा और राहुल सुधीर और इश्क में मजाओ हेली होलिक्स आर आर ए रा आर्मी वो लोग सब जो है ना इश्क में मजाओ राहेलियंस उसके बाद रियांश सारे के सारे लोग जो है ना मतलब बिना प्लान किए ट्रेंड प्लान नहीं किया था, बट वो लोग जो है ट्रेंड हो चुके हैं। सो इसके रिलेटेड मैंने जो है वीडियो नहीं बनाना सोचे, मतलब मैं भूल गई, इतने सारे अपडेट्स रहते हैं। तो गाइस इस लाइक का यहीं पे एंड होता है कि कोई न्यू धमाकेदार अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में न्यू लाइक पर मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।